हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में और हमारे चैनल पे। तो हम आज बात करते हैं कि जैसे कि आप लोग वाईफाई का जो पासवर्ड है उसको आप लोग अगर याद करना नहीं चाहते हैं तो भी आप बिना पासवर्ड डाले हुए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो वह कैसे कनेक्ट, जैसे आपने लैपटॉप में आप लैपटॉप हुआ या आईफोन हुआ, कोई भी डिवाइस है फोन को हुआ, तो आपको पासवर्ड नहीं याद है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल का यही है कि अक्सर लोग पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है। तो आज मैं वो तरीका बताऊंगा जिसको आप पासवर्ड भूल भी गए तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसका पासवर्ड भी आपको दिख जाएगा, सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जानकारी के साथ है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको विधि प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है, तो आपको ये प्रोसीजर पूरा फॉलो करना है जो मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ज्यादा देर ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे वाईफाई का वो QR जनरेट करना है, ठीक है। तो मैंने वेबसाइट यहाँ पर डाल रखी है, इसको मैं आपको बता दूंगा, आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए, इसको कॉपी करिएगा, ठीक है। कॉपी करके आप चाहे तो यहाँ गूगल पे जाके भी टाइप कर सकते हो और ऐसे भी टाइप कर सकते हो, दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जाइएगा क्रॉसिंग फ्रॉम द जैक्स, ठीक है, ये पेज इस टाइप का खुलेगा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो इसकी जैकिंग प्रोडक्ट करके करेंगे तो ये आपको उसके पूरे होम पेज पे ले जाएगा, या फिर होम पेज पे यहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं QR कोड पे। जब QR कोड पे जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग कंटेंट है, किस टाइप का कंटेंट इन्फॉर्मेशन, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन का आप QR कोड जनरेट करें, ईमेल एड्रेस, जियो लोकेशन, फ़ोन नंबर, SMS, टेक्स्ट, URL, वाईफाई नेटवर्क। तो हम लेते हैं वाईफाई नेटवर्क, ठीक है। जो SSID होती है, जो कनेक्ट करने के लिए SSID होती है, उसकी बात करें तो अगर हम डाल देते हैं, कोई भी डाल देते हैं, टेस्ट डाल देता हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी डाल दो, जैसे सपोज दैट ये आपका वाईफाई का पासवर्ड है। अब नेटवर्क टाइप क्या रखना है, WPA2 कर दो इनक्रिप्शन, ठीक है, हिडन करना है, जो भी करना सब कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ के इसके बाद आपको करना है यहाँ पे जनरेट, अब ये कर देंगे जनरेट। तो ये जो जनरेट कर देंगे QR कोड, तो ये दिखा रहा है कि ये आपको ये दिखे, ये जनरेट में ये आ जाएगा, ठीक है, इसमें। तो अगर इसको आप चाहें तो यहाँ से एक डाउनलोड कर सकते हैं, अब ये हो गया डाउनलोड, इसको सेव कर सकते हैं, कहीं भी सेव करेंगे, जैसे मैं इसको अपने डेस्कटॉप पर सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी इस चीज़ को अगर आप स्कैन करोगे तो जो हमने ये डिटेल डाली थी यहाँ पे, जो अभी ये डाउनलोड हो गया, अभी मैं इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन पेंट पे हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ, जब इस QR कोड को स्कैन करोगे तो जो आपकी SSID है, जो पासवर्ड है, वो आपको शो कर, वो आपको दिखेगा, मतलब वो कनेक्ट करेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना पासवर्ड भी भूल नहीं सकते, और आपको मतलब डालने की ज़रूरत नहीं है पासवर्ड, आपको SSID के थ्रू सीधा स्कैन करिए, कनेक्ट हो जाइए, ठीक है दोस्तों। तो ये था जो मैंने आपको बताना चाहा, ओके दोस्तों। इस तरीके से जो मैंने पिछला बताया है, आप इस तरीके को फॉलो करके आप अपना ये पासवर्ड को आप एक QR कोड जनरेट करके उसको स्कैन करके भी आप कनेक्टिविटी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए जरूर से जरूर। तो आप इसको यूज़ करके आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसमें कोशिश करूँगा आपको सलूशन देने की, ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, और बेल आइकन दबाना ना भूलो, ताकि अगर हम कोई ऐसी नई वीडियो डाउनलोड कर अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।